रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11 है। कंपेटिव एग्ज़ाम्स का जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, उसमें जो अभी सिलेबस है जो कंप्लीट आपका आएगा, वो इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, बेसिक अरिथमेटिक, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर या आईटी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। अच्छा, हर एग्ज़ाम का यही पैटर्न होता है, हर एग्ज़ाम में इन्हीं एरियाज़ को टच किया जाता है और इन्हीं एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो कंप्लीट सीरीज़ है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, पंजाब का हो, केपी का हो, एसपी सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो, या फेडरल का हो, या इवन के एनटीएस के हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे एजुकेटर्स वगैरह के ये एग्ज़ाम्स एनटीएस के थ्रू आते हैं, तो यही एरियाज टच होते हैं। आप इनकी प्रिपरेशन करें। और ये लेक्चर की सीरीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 11 लेक्चर्स हो जाएंगे और हर लेक्चर में तकरीबन 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो आपके बआसानी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिनोनिम ऑफ ड्रिजल इज सिनोनिम ऑफ ड्रिजल इज स्प्रिंकल, या स्प्रे करना जैसे होता है, ड्रिजल, ड्रिजलिंग, वो जो बारिश बरसती है उसको भी कहते हैं, इट इज़ ड्रिजलिंग, यानी कि बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश बरसती है या शावर होती है, स्प्रिंकल होती है। सिनोनिम ऑफ रिफॉर्मेशन इज चेंज, रिफॉर्म करना, किसी चीज़ को चेंज करना, अपडेट करना, तो ये रिफॉर्मेशन होती है, चेंज। सिनोनिम ऑफ इंडिजनस, इंडिजनस कहते हैं जी लोकल, मकामी जो कोई चीज़ होती है, इंडिजनस मतलब नेटिव, नेटिव मकामी। एंटोनिम ऑफ एट्रैक्ट, एट्रैक्ट होता है किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, और इसका अपोजिट होता है रिपेल, तो एंटोनिम होगा रिपेल। अच्छा, पॉसिटी कहते हैं स्केस्टी को, या कमी को, पॉसिटी कहते हैं कमी को, किसी चीज़ की कमी हो जाना, तो उसका जो एंटोनिम है वो बनेगा सरप्लस, सरप्लस होता है ज्यादती, किसी चीज़ कोई चीज़ ज़्यादा हो जाना। द इडियोमेटिक फ्रेज स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन कहते हैं जी बहुत ज़्यादा जो साफ सुथरा, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चमकाना, तो वो कहते हैं स्पिक एंड स्पैन। स्पॉटलेसली क्लीन, यानी कि बिल्कुल जिस पे कोई धब्बा ना हो, स्पॉटलेसली क्लीन, किसी भी धब्बे के बगैर सही मुकम्मल तौर पर साफ चीज़। इडियम टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मतलब होता है कि किसी भी लंबी कहानी को छोड़कर पॉइंट की तरफ आना, कि टू द पॉइंट बात करना किसी एक पॉइंट पे, तो क्या होता है कम टू द पॉइंट, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मीन्स कम टू द पॉइंट। डिनोवो, डिनोवो का क्या मतलब होता है, डिनोवो मीन्स न्यू, नोवो नाम से जाहिर है, जैसे नोवेल, नोवेल भी कहते हैं न्यू चीज़ को, डी नोवो, नोवो से न्यू, न्यू। एक्टिवाइस ऑफ दिस हाउस इज यूज्ड वेरी रेयरली बाय अस। अच्छा, अभी इस ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, इसका एक्टिवाइस बनाना है, तो एक्टिवाइस बनेगा वी यूज दिस हाउस वेरी रेयरली, वी यूज दिस हाउस वेरी रेयरली। जनरल साइंस का क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉम्सन, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉम्सन, विच प्लैनेट इज मच ब्राइटर इन आवर सोलर सिस्टम, तो ये है वीनस, वीनस इज मच ब्राइटर इन आवर सोलर सिस्टम। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ब्लड से वेस्ट को निकालना, या यूरिन को जो ब्लड से निकालना होता है और ब्लड को प्योरीफाई करता है, वो किडनी होता है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज, डैम में जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो मूवमेंट से आती है वो काइनेटिक होती है, और जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। मून लाइट रीचेज टू अर्थ इन डैश सेकेंड्स, मून लाइट रीचेज टू अर्थ इन 1.3 सेकेंड्स। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कोर, अच्छा अर्थ के जो तीन लेयर्स हैं, पहली होती है क्रस्ट, क्रस्ट जिसके ऊपर हम चलते हैं, जो सॉइल होती है जिसके ऊपर हम चल रहे होते हैं, वो क्रस्ट होती है। देन उसके बाद सेंटर वाली होती है मेंटल, और जो इंटीरियर होती है बिल्कुल एंड वाली होती है, वो होती है कोर। द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑनकोलॉजी, ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट भी होता है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। सनलाइट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी, सनलाइट जो है विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स है।
लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज फीमर। ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी जो हड्डी है वो फीमर होती है। शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी वो स्टेप्स होती है, और ये ईयर में पाई जाती है। स्टेप्स, शॉर्टेस्ट बोन स्टेप्स। सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, 7 रंग होते हैं जी रोशनी के, सूरज की रोशनी के। वुड इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। बिल्कुल जी, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मेन रॉ मटेरियल यूज होता है वो वुड होता है, लकड़ी होती है। ऑरेंजेस आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। ऑरेंजेस में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, फैट्स नहीं, प्रोटीन्स नहीं, विटामिन्स होते हैं। और मैक्सिमम जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनमें विटामिन्स होते हैं, वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स होते हैं। इन आई डोनेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ डोनर्स आई इज यूटिलाइज्ड। अच्छा, आई डोनेशन में जो आई का पार्ट कॉर्निया होता है, कॉर्निया वो डोनेट किया जाता है। वट इज मेंट बाई इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स कहते हैं कि जब दिन और रात इक्वल हो जाए। ये मैक्सिमम इक्वेटर, इक्वेटर जो है इक्वेटर के आसपास जो मुल्क होते हैं वहाँ पे दिन और रात इक्वल होते हैं 12-12 घंटे के, तो उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। द सीजन चेंजेस बिकॉज ऑफ द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। क्योंकि अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, और ये सूरज के गिर्द जो घूम रही है वो 365 दिनों में घूम रही है, तो इसीलिए साल में 4 मौसम होते हैं सूरज के गिर्द जब जमीन घूम रही होती है। स्पिनच इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। स्पिनच, पालक जो है, सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां हैं वो सारी आयरन में, उनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन पाया जाता है। विच बैटल इज रेफर टू एज यौमुल फुरकान। यौमुल फुरकान भी किस गजबा को कहते हैं, ये गजबे बदर को यौमुल फुरकान भी कहते हैं। हजरत उस्मान खिलाफत पीरियड वाज ऑफ 12 ईयर। हजरत उस्मान का खिलाफत का जो दौरानिया है वो है 12 साल। मोस्ट ऑफ हाफिज कुरान वर मार्टर्ड इन विच बैटल। जी, जंग यमामा में बहुत सारे हफाज कराम जो है वो शहीद होना शुरू हो गए, उसके बाद फिर कुरान मजीद को एक किताबी शक्ल में दिया गया। हु अर्ज्ड हजरत आदम टू टेस्ट प्रोहिबिटेड ट्री। हजरत आदम को किसने मना किया, किसने जोर दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अर्ज किया, जोर दिया कि आप ये जो फॉरबिडन ट्रीज है, प्रोहिबिटेड ट्री है, जो जिसको ममनुआ दरख्त है, जिसका हुक्म नहीं दिया गया, हजरत आदम को दिया गया था कि आपने इस दरख्त के करीब नहीं जाना, आपने ये दरख्त का फल नहीं खाना, तो वो कौन था जिसने कहा कि ये फल खाएं आप, अर्ज किया, वो था इबलीस या शैतान। नेम द प्रॉफिट हु वॉज द फर्स्ट मैन टू राइट। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वॉज द फर्स्ट मैन टू राइट। मुजद्दद अलिफ सानी इज टाइटल ऑफ शेख अहमद सिरहिंदी। मुजद्दद अलिफ सानी जो टाइटल है वो है शेख अहमद सिरहिंदी का। और पहले मुजद्दद कौन थे, यानी कि दूसरे मुजद्दद तो थे, मुजद्दद अलिफ सानी भी उन्हें कहते हैं, सानी मतलब दूसरे, पहले मुजद्दद कौन थे ये आपने कमेंट में बताना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ खुम्स। खुम्स का मतलब होता है 1/5 या 5वां हिस्सा, खुम्स कहते हैं 5वें हिस्से को। करंट हिजरी ईयर, जो मौजूदा हिजरी साल है वो 1444 है। व्हेन डिड कायद आजम ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कायद आजम ने 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। व्हाट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल ट्री जो है वो देवदार है, देवदार। विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, तो जी ये मारखोर है, मारखोर इज़ नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। वाट इज़ द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसे कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। द लेंथ ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर इज 2430 किलोमीटर टोटल लेंथ ऑफ पाक अफगान बॉर्डर। बाउंड्री लाइन बिटवीन आज़ाद कश्मीर एंड ऑक्यूपाइड कश्मीर इज कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल। बाउंड्री लाइन बिटवीन आज़ाद कश्मीर एंड ऑक्यूपाइड कश्मीर इज कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये हैं जी लियाकत अली खान, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। हु इज़ द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान नेवी। एडमिरल अमजद खान न्याजी इज़ द करंट नेवल चीफ, एडमिरल अमजद खान न्याजी। विच बैंक हैज़ गिवन फर्स्ट लोन इन मिलियन टू पाकिस्तान गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सा बैंक था जी जिसने सबसे पहले मिलियंस में लोन दिया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, वो था HBL या हबीब बैंक लिमिटेड। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। जो फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम टच कर सकते हैं चीज़ों को,
हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर का मॉनिटर है, सीपीयू है, सीपीयू के अंदर मुख्तलिफ मदरबोर्ड है या उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें लगी हुई हैं, वो सारी क्या हैं, हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर होता है जो उसके अंदर प्रोग्राम चल रहा होता है वो सॉफ्टवेयर होता है और उसको टच नहीं किया जा सकता, जबकि हार्डवेयर जो है उसके पार्ट्स होते हैं जिनको टच कर सकते हैं आप। व्हाट डज सीडी रोम स्टैंड फॉर? सीडी रोम स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स? सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम कैलिफ ऑफ स्पेन? स्पेन के जो पहले मुस्लिम खलीफा थे, अब्दुलरहमान अद्दखील, अब्दुलरहमान अद्दखील। और मुसलमानों ने 711 में जो है स्पेन पर हमला किया था, और 711 में मुसलमानों ने अपनी हुकूमत कायम की थी स्पेन में, और 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए थे और मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट में या बरे सगीर में 712 में हुकूमत कायम की थी। द मुस्लिम इन्वेडेड स्पेन इन 711, 711 AD में मुसलमानों ने स्पेन पर हमला किया था। हु वॉज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम? नेशनल क्रिकेट टीम के जो पहले कप्तान थे वो थे अब्दुल हफीज कारदार। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन डिफरेंट कंपेटिटिव एग्जाम्स। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम अब्दुल हफीज कारदार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज सब्सक्राइब दिस चैनल टॉर्च बियरर इंस्टीट्यूट।